रखा है, 12 लोग ही होंगे मोस्टली। आज रात का वील अनाउंस ऑल्सो कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। थोड़ा सीरियसली प्रोसेस करना, अभी बोलो मेरे एलम आएंगे, मेरी इज्जत रखना, ठीक है। एलम आएंगे तो यार कल्चर कल्चर वर्ड बोल देना प्लीज, मुझे अच्छा लगता है। हां, गणपंच इज नोन फॉर नॉट टैलेंट नॉट ड्रामा एंड कल्चर, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हें पूछना, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एवरीवन। थर्ड क्वेश्चन, सीनियर कॉम 15 सीनियर कॉम में से 15 का नाम लिख दो संधि के साथ। थर्ड क्वेश्चन तो बड़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेटेज ज्यादा है इसका, तो इसमें तुमको टाइम है। हां टाइम है। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, night. 10 से कम अगर किसी ने लिखा आके तो उठो और चले जाओ। तुमने 10 से कम लिखे यार, it's not funny. तुमने 10 से कम लिखे, सच खड़े तो हो, मैं बात कर रही हूँ। 10 से कम लिखे, 9 लिखे, 9 लिखे तुमने, दिखाओ 3 तो इधर ही खड़े हैं। फर्स्ट टाइम वो फिर नाम भी गलत लिखे, जैसे 6 ही जुगाड़ लगा के सोच के लिखे, इसमें भी नाम गलत लिखे, इसमें भी नाम गलत लिखे, पूरे नाम नहीं लिखे। अच्छा सब लोग गलत नाम लिखा है, गलत नहीं है। 15 नाम अपने आसपास दे दो मुझे नहीं हो समझ में नहीं आया। Big hitter, big picture, I'm a straight killer, rising the song to the नाम के से को ब्लॉग बना ले पहले। अरे नहीं यार ब्लॉग हो बोर्ड यहां पे ना सबसे इधर आ, अरे भी सुनना पड़ेगा, सुबह निकालना दिख रहा है थैंक यू। अच्छा लगा फिर आज, मस्त। सोचा था रंग मंच में सीनियर कमेटी में जाएंगे, 50-50 लग रहा था, 50 लग रहा था। हाँ अच्छा 50 ना आने का भी लग रहा था। हाँ देखिए यार बहुत टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, मतलब थे नहीं है अभी भी हमारे मेंबर से, मतलब हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, सब कुछ है तो हाँ यार तो अपने बारे में बता, तेरा क्या था यार? मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ अभी कि आज वन ऑफ द बेस्ट डेज है 2022, क्योंकि मुझे तो आना था। मैंने उनको भी बोल दिया था, उस इंटरव्यू उन्होंने पूछा था कि क्या प्लान है तेरा, मैंने मेरे प्रेफरेंस में कुछ तो गड़बड़ की थी मैंने, ठीक है। और क्या की थी थोड़ा सा इलैबोरेट, पता नहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया था, तो गलती मैंने कर दी थी। उन्होंने बोला तुम्हें आना ना कुछ में, तो मैंने कहा देखो कुछ भी बना दो मुझे रंग पंच नहीं छोड़ना। मतलब मुझे इतनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है ना रंगपंच से, सेम बहुत ज्यादा पॉजिटिव, मतलब वो वाइब्स वो मैं नहीं छोड़ सकता। तो मुझे नहीं जाना था, तो मुझे अब मुझे मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई ऐसे जाए। अब मैं आकाश भाई हैं तो उनको मैं तो भाई बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके जैसा बन पाऊँ, जैसे वो सीनियर कॉम में इतनी लोगों की मदद की, मतलब मेरे लिए जैसे आकाश है, सैयम है, हिवानी है, बहुत सारे लोग हैं जितने भी, शुभांगी, कृतिका, तो इन लोगों से इवन करंट भी है आई थिंक, इन लोगों से जब बात की ऑफलाइन में सो एक्सपीरियंस भी अलग ही था, एंड ऑनलाइन में आकाश ने बहुत हेल्प की, मैंने भी वीडियो एडिटिंग किया था, सो ही टॉट मी ऑल दोज थिंग्स लाइक जैसे सॉफ्टवेयर था और जो अलग अलग जो मोमेंट्स है जहाँ पे एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब जैसे दो सीन्स होते हैं तो सीन का ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें जो एडिटिंग वाला काम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नॉर्मली हम जो मूवी देखते हैं वी टेक इट एज अ ग्रांटेड, लेकिन जो बिहाइंड पे जो काम होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये करके ही आपको पता चलता है कि कितना डिफिकल्ट है, सीधे आप देखोगे तो आपको रियलाइज़ नहीं होगा, बट व्हेन यू वर्क फॉर इट एंड वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आई थिंक मैंने एडिटिंग में खुद जो हमारा प्रोजेक्ट हुआ था ऑर्डिनरी गाय हैप्पीनेस वाला, उसमें 40 आवर्स तो मैंने 40 मिनिमम डाले ही, उससे ज़्यादा डाले 40 या इतने तो मैंने डाले थे। इवन सबटाइटल्स में ही मेरा एक 4 घंटा लगा था। सबटाइटल्स अनदर टास्क है यार, सबटाइटल्स तो मुझे लगता है ये तो सेपरेट है, उसमें ही 4 घंटा मेरा निकल गया था। एंड मैंने वो भी काम कभी नहीं पहले किया था, बट मेरे को बहुत उससे भी सीखने मिला। सो यू आर द एडिटिंग हेड, बट भाई मैं भी एडिटिंग करूंगा। हाँ, बिल्कुल वो जूनियर से भी करवाएंगे हम। हाँ ये बात भी है, लेकिन अपने को भी थोड़ा सीखना है। एंड सी वी आर दी ओनली जनरेशन मतलब इन द सेंस मैं ईयर के हिसाब से बोलूँगा, जो बैच है हमारा 2021-23 का, जिन्होंने ऑनलाइन एंड पूरा ऑफलाइन एक साल एक्सपीरियंस किया। राइट, हमारे जो पहले के सीनियर्स हैं उनका ऑलमोस्ट पूरा ऑनलाइन गया, हमारे जो जूनियर्स हैं उनका पूरा ऑफलाइन जाएगा, बट वी आर द वन जो बीच में हम कोई भी काम कर सकते हैं। हम घर में बैठ के भी काम करते हैं, हम यहाँ पे भी आके कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। कोई जैसे ये एडिटिंग हेड है तो मेरे को पता है कि भाई ये हो, इसको एडिटिंग बहुत अच्छे से आता है, बट फिर भी मेरा अपना ओपिनियन है एंड अगर मैं उसको अच्छे से पुट नहीं कर पाता हूँ अपना ईगो लेके तो वो क्लैश करेगा। एंड दैट्स नॉट अ गुड यू नो ट्रेट और समथिंग कैरेक्टर ऑफ कुछ भी क्वालिटी ऑफ पर्सन हु इज़ यू नो अ पार्ट ऑफ अ टीम। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो टीम बिल्डिंग वाली जो क्वालिटी हो वो इम्प्रूव हो यहाँ पे। राइट, एंड भाई इसी के लिए पैसे भी हम लोगों ने। हाँ चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप एनएमआईएमएस में आने वाले हो, यानी कि 2022-24 वाला बैच होगा नहीं, 22-24 वाला बैच ना, तो अगर आप वो बैच हो और रंगमंच में आ रहे हो तो देख लेना। और क्या है तो पता होना चाहिए सिल्वर मिट्टी में कौन है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग तो है, अभी बाकी का पता नहीं है। बाकी वो लोग इतने खुश हो गए ना, लाइक वो पार्टी वाले मूड में चले गए है ना। हम लोग यहाँ पे बहुत दो भोले लोग हैं। पहले एक और मेंबर से मिल लो हमारे सीनियर कॉम से। या नमस्ते, दिस इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योर पोजीशन विद योर नेम। जी, हम है क्रिएटिव्स हेड ऑफ रंगमंच। वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। ये जो लाल होता है ना ये वाला। हाँ बोल। अरे नहीं कुछ नहीं। नमस्ते। The highest bidder, got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back.